कैसे आए भाई? वेलकम टू कशकन। कशकन का मतलब कश्मीर टू कन्याकुमारी, जहाँ खाना हम बनाते हैं। घुमाऊं? आ जाओ। पहले किचन दिखाते हैं, फिर बाकी चीजें दिखाते हैं। जो इंजन है ना, वो इंजन पहले दिखाना चाहिए किसी रेस्टोरेंट। देखो जी, ये हमारा किचन है, ठीक है। ये है यहाँ हमारा चाट सेक्शन, ठीक है। एक चाट इनको बना के दिखाते हैं। ये विख्यात है, ये प्रदीप है। यहाँ से हमारे लखनऊ के कबाब निकलते हैं, यहाँ से निकलती है चाट। तो इसमें बेसिकली हमने सौंठ की चटनी डाली, हरी चटनी डाली, टिक्की हम ऑलरेडी फ्राई कर रहे हैं। हम अपनी चाट में यहाँ पे मुरब्बे भी डालते हैं, तो ये आम पापड़ का मुरब्बा, क्रैनबेरी का मुरब्बा। पुराने समय में चाट में जो है मुरब्बे पड़ते थे, हम वही कल्चर वापस से, वी स्टार्टिंग विद द सेम कल्चर अगैन। टिक्की जो है हमने कोशिश करी है लखनऊ जैसी हो, दही वही खूब ठोक के डालते हैं हम लोग लखनऊ में। आजकल सुना है मार्केट में लंबी आलू टिक्की और बहुत सारी आ गई हैं। सबसे पहले कशकन ने शुरू करी थी। ये दाल कशकन है, हमारी दाल मखनी का वर्जन है। ये खास हमने हिंदुस्तान से मंगवाया, ये बहुत चिक चिक करने के बाद आया है। हम बावर्चियों को ये छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी खुशी मिलती है। अच्छा पतीला मिल जाए, अच्छी हांडी मिल जाए, अच्छा पलटा मिल जाए, किचन में पानी आ जाए। ये हमारा तंदूर है, ये होता है असल इंजन एक्चुअली। यहाँ पर हमने कोशिश ये करी है कि जैसे रुमाली के लिए हमने ये लेबनीज तवा यूज़ किया। हमने कोशिश करी है कि जितना रिलेटिबिलिटी ला पाए इक्विपमेंट में और इंग्रेडिएंट्स में उतना आ जाए। कोशिश ये करते हैं यहाँ पर भी कि वही हर बार जो है प्याज व्याज डाल के हम लोग दे देते हैं, वैसे ना दें। यहाँ पर एक डिश है, भूत झलकिया चिकन टिक्का। हमारे रेस्टोरेंट में एक चैलेंज है, द स्पाइसीस्ट चिकन टिक्का चैलेंज, जिसमें हम भूत झलकिया चिकन टिक्का बनाते हैं और लोग जो है वो खाते हैं, और जब वो खा लेते हैं तो उनको सर्टिफिकेट मिलता है एक, दैट दे एट द स्पाइसीस्ट चिकन टिक्का इन द वर्ल्ड। उसके बाद कम से कम एक लीटर पानी तो आप पियेंगे, हमारी गारंटी। ये जी हमारा सबसे ज़्यादा चलने वाला डिज़र्ट है, ये पान मूस। जैसे पान में चेरी जाती है, हम इसको चेरी के साथ देते हैं, साथ में ऊपर गुलकंद वाला पिस्ता है, साइड में सौंफ का क्रम्बल है। ये हमारा गुलाब जामुन का चीज़ केक है, गुलाब जामुन चीज़ केक। ये हम लिक्विड गुड़ के साथ देते हैं, नोलेन गुड़ के साथ। ये भी बड़ा चलता है, लोग गुलाब जामुन डोनट है विद आइसक्रीम, गर्म गर्म गुलाब जामुन का डोनट ऊपर खूब सारी आइसक्रीम डाल के देते हैं। दिस इज माई फेवरेट स्पॉट इन द किचन। वैसे भी डिजर्ट जहाँ होता है वहाँ झगड़े कम होते हैं। डिजर्ट्स में हमने थोड़ा सबसे ज़्यादा खुराफात करी, अदरवाइज खाना बहुत सिंपल रखा है, प्लेन जेन रखा है, फ्लेवर्स वो रखे हैं जैसे होने चाहिए। डिजर्ट्स में थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन है, मुझे लगता है कि डिजर्ट्स थोड़े स्टेटमेंटिश हो सकते हैं, तो डिजर्ट्स में स्टेटमेंट डालने की कोशिश करिए, अदरवाइज यू कैप्ट द फूड लाइक इट शुड बी क्लीन एंड सिंपल। सो सम ऑफ दीज लॉक्स स्टिल हैव कीज इन देम, है ना। तो हम ये कहते हैं कि आप अपना ताला जो है वो लगाइए, चाबी साथ ले जाइए, अगली बार जब आप आएंगे अगर आप एक बार में अपना ताला ढूंढ लेंगे तो एक रजिस्टर है आरबीज अपॉइंटमेंट डायरी, जहां पर आप मेरी अगली विजिट में हमारे साथ आराम से चाय पे बैठेंगे आधा घंटा। सो बेसिकली दैट इज व्हाट द ट्रिक इज। सो दिस इज द लिविंग रूम वॉल, लाइक आई सेड, थ्री जनरेशन ऑफ ब्रार्स, मिस्टर ईश्वर सिंह, मिस्टर ईशान सिंह एंड रणवीर, ये हमारी तीन जनरेशन है। एंड दिस वॉल आई लाइक टू कॉल द पोर्ट्रेट्स ऑफ इंडिया। मैंने और मेरे मित्रों ने जो अच्छे फोटोग्राफर्स हैं लिए हैं हिंदुस्तान के अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग ट्रैवल्स में। सो दीज आर फेसेस ऑफ इंडिया, वी हैव टेकन कश्मीर, छत्तीसगढ़, बनारस, मिजोरम, मेघालय, कर्नाटका, जहाँ जहाँ मैंने ट्रैवल किया या दोस्तों ने ट्रैवल किया है। तो मेरे को फ़ोटो वोटो खींचने का शौक़ है, मैंने कहा एक स्पेस क्रिएट किया जाए जहाँ अच्छी फोटोग्राफी को एक्सप्रेस किया जाए। दिस इज़ या द आइडिया इज़ टू क्रिएट अ विंडो फ्रेम विच गिव्स अस अ स्पेस इन आर किचन, एंड दैट इज़ व्हाट दिस इज़। ये जो एरिया है ये टी कॉफ़ी एरिया है, हम बहुत इंटरेस्टिंग टीज करते हैं, हिबिस्कस टी करते हैं, ऑरेंज टी करते हैं, कुछ सिग्नेचर पिक मी अप्स हैं जो आप उठा सकते हैं, चाय के साथ ले सकते हैं, या यू कैन ऑल्सो टेक दम अवे। एंड देर ऑल्सो दिस बुक दैट वी लॉन्च्ड, इट्स कॉल्ड अ जर्नी थ्रू इंडिया,
some pictures that I have clicked, some thoughts in my travels about the country, what inspires me about India, and what part of those inspirations will you find in Kashkan? So these are cabanas that we've created. ये छोटे-छोटे private dining areas हैं जो हमने create किए हैं. हर dining area जो है उसमें एक state की film चल रही है, है ना? इसमें गुजरात की film चल रही है. So every dining area has sort of one film that plays, which is representation of their culture. पांच cabanas हैं, पांच dining areas हैं from Kashmir to Kanyakumari. Every dining area has its own story to tell. एक कल्चरल परस्पेक्टिव जो है वो खाने के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है, वरना खाना बहुत ड्राई और ड्रैब कॉन्वर्सेशन हो जाता है. एंड वी डिड नॉट वॉन्ट इट टू बी जस्ट अबाउट फूड. वी वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द फूड एंड कल्चर टुगेदर. एंड वी वॉन्ट कश्किन टू बी अ कल्चरल रिफ्लेक्शन ऑफ द कंट्री एज वेल एज मच एज रिफ्लेक्शन ऑफ द फूड. तो इसलिए उसके एस्पेक्ट जो हैं आपको जगह जगह दिख रहे हैं. We did not shy away from color. So, अगर आप सीटिंग देखें तो we haven't shied away from color. हम रंगों से नहीं शर्माते हैं, इसलिए we haven't shied away from color. इसका जो है मुझे पता नहीं, अभी हमने बहुत सोचा कि बीच में क्या रखें, पर ये जापानी पेड़ जो है इसने ऐसी जगह बना ली, अब कहीं जाता नहीं है. दिस इज वेर आई वट आई कॉल द हार्ट ऑफ द रेस्टोरेंट. यू नो दिस इज वेर यू रियली ओपन अप एंड सडनली यू रियलाइज इट्स मच बिगर. अगर आप उस तरफ देखें, it's looking the waterfront, that's where most seatings happen. Outdoor seating is available, but we've been able to create a good energy in the space that reflects in the dining hall when it's full. So it's really overwhelming, you know, very very humbling, the love that this place has gotten. And I think maybe this is also an opportunity to thank everybody and express my gratitude for so much love that the place has gotten and so much love that you've been giving me. I don't think I deserve it. I think it's your kindness. People are the true ambassadors of our business, and the fact that all of you go back happy makes me just grateful. That's about it.